हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप वन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास टेंथ का केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अम्ल भस्म तथा लवण पढ़ने वाले, जिसमें हम लोग का टॉपिक क्या है, कुछ सामान्य बेलियनों का pH। तो पदार्थ पहला क्या है, पदार्थ है, इधर pH मान दिए हुए, तो सभी पदार्थ इधर दिए हुए, आपका इधर pH मान दिए हुए। तो चलिए, इस पहला जो आपका अमाशय रस 1.0, नींबू रस 2.5, सिरका 3.0, टमाटर रस 4.1, पसीना 4.5, अम्ल वर्षा 5.6। उसके बाद हो जाएगा पेशाब कितना हो जाएगा आपका 6.0, दूध का हो जाएगा आपका 6.5, शुद्ध जल का 7.0, आंसू का 7.3, खून का 7.4, पित्त का 7.5 से 8.8, चूना जल का हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा। चूना जल कितना होता है 11। तो चलिए सब के एकदम रिपीट कर देते हैं। अमाशय रस क्या होता है, 1 होता है, नींबू रस का 2.5, सिरका 3.0, टमाटर रस 4.1, पसीना 4.5, अम्ल वर्षा 5.6, पेशाब हो जाएगा 6.0, दूध हो जाएगा 6.5, शुद्ध जल हो जाएगा 7.0, आंसू हो जाएगा 7.3, खून 7.4, पित्त 7.5 से 8.8, चूना जल 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 11। अगला टॉपिक हम लोग का लवण है, क्या है, साल्ट, जो अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। हम लोग पिछले भी चैप्टर में पढ़े थे कि अम्ल भस्म अभी क्या क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासनीकरण भी कहते हैं। तो अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जैसे HCl प्लस में NaOH अभिक्रिया करके NaCl प्लस में H2। तो देखो HCl एच आयन है, इसलिए क्या कहेगा अम्ल, NaOH OH माइनस है तो क्या कहलाएगा भस्म। तो अम्ल भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण NaCl प्लस H2O। लवण बढ़ता है ना, उसमें ना क्या होता है आपका ना भस्म का, ना भस्म का ना अम्ल का, दोनों का गुण नहीं होता। देखिए इसमें कम है H प्लस आयन या OH माइनस कम पर नहीं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जहाँ पर H प्लस और OH माइनस नहीं रहता उसको क्या कहते हैं, लवण। तो दोनों अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं, जल। तो अगला देखिए क्या है, H2SO4 प्लस NOH अभी क्या करेगा, तो क्या करेगा NaHSO4 प्लस में H2O। तो इसमें जो अभिक्रिया हुआ है ना, तो क्या बना दिया है, अम्ल वो क्या है, लवण तथा जल बनाया। लेकिन इसमें पूरी तरह से क्या है, हाइड्रोजन नहीं हटा है, मतलब उदासनीकरण जो हुआ है ना पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। लवणों का वर्गीकरण क्या हो जाएगा, लवणों का वर्गीकरण समानता लवणों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। क्या होता है, समानता लवणों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक या क्षारीय लवण। तो लवणों कितने वर्गों में बांटा गया, 3। पहला होता है सामान्य लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण, तीसरा होता है भास्मिक या क्षारीय लवण भी बोल सकते हैं। पहला क्या है, सामान्य लवण। तो सामान्य लवण वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। सामान्य लवण किसे कहते, जिसमें ना हाइड्रोजन क्या नहीं रहता है, हाइड्रोजन और OH मान हाइड्रोक्साइड नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं, सामान्य लवण। जिसमें ना क्या ना रहता है, H प्लस इसकी मात्रा नहीं रहता और OH माइनस नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य लवण। जैसे देखिए क्या है, NaCl क्या हो जाएगा, NaCl KCl Na2SO4 तथा NH4Cl, इस समय क्या नहीं है आपका, नहीं हाइड्रोजन की मात्रा है, नहीं हाइड्रोक्साइड की मात्रा है, ये क्या हो जाएगा, साधारण सामान्य लवण हो जाएगा। क्या है, अम्लीय लवण, क्या हो जाएगा आपका, अम्लीय लवण। वैसे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल को अपूर्ण उदासनी करण के फलस्वरूप बनते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे H2SO4 प्लस NaOH NaHCO4 प्लस में H2O क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए अपूर्ण होता है, पूरी तरह से क्या करेगा, अम्ल को विस्थापित नहीं करेगा, उदासनीकरण नहीं करेगा। तो वैसे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल को अपूर्ण उदासनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। मतलब अपूर्ण पूरी तरह से नहीं बनते हैं ना, इसलिए क्या कहते हैं, अपूर्ण जो अम्ल होता है ना, अम्ल को उदासनीकरण पूरी तरह से अपूर्ण उदासनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं, पूरी तरह से नहीं बनते, इसलिए क्या कहते हैं, इसे अम्लीय कहते हैं। इसमें अम्लीय की मात्रा कुछ रह जाती है, देखिए कुछ है ना, एक हाइड्रोजन रह गया, मतलब अम्लीय की मात्रा रहती है, इसलिए क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। तो पहला क्या है एग्जांपल में, H2SO4 प्लस में NaOH बनेगा अभी क्या, NaHSO4 प्लस में H2O, H3PO4 प्लस में NaOH, NaH2PO4 प्लस में H2O। देखिए इसमें ना भी हाइड्रोजन की मात्रा है, इसमें भी हाइड्रोजन, तो जिसकी हाइड्रोजन की मात्रा, इसलिए क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण है।
लवण के गुण क्या है, लवण के, तो लवण के तीन गुण होते हैं। पहला क्या है, परवल अम्ल तथा परवल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीनी होता है तथा पीएच मान 7 होता है। और परवल अम्ल रहेगा, परवल भस्म रहेगा, दोनों परवल है ना, इसलिए इसका जो लवण बनता है वो क्या होता है, उसका जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना, 7 होता है। कितना होता है, 7। जैसे KCl, NaCl, KNO3, Na2SO4, ये सब क्या हो जाएगा, परवल अम्ल, परवल भस्म से बने लवण है, तो इसे क्या है, परवल लवण कहलाएंगे। केसिल क्या है, परवल लवण है। NaCl क्या है, परवल लवण है। KNO3 क्या है, परवल लवण है। Na2SO4 क्या है, ये सभी क्या है, परवल लवण है। तो परवल अम्ल तथा परवल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। तथा उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। अगला क्या है, दोनों परवल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है तथा पीएच मान 7 से, हम लोग जानते हैं कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, इसलिए क्या कहलाएगा ये आपका, अम्लीय विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्लीय, क्योंकि इसमें ना परवल अम्ल है, अम्ल क्या है, परवल है, तथा दुर्बल भस्म, भस्म क्या है, दुर्बल है, तो अम्ल की मात्रा इसमें अधिक हो गया, इसका जो होता है ना परवल है, अधिक बल होता है इसमें, ये क्या है, दुर्बल भस्म में, तो ये अधिक मात्रा में होता है, ये कम मात्रा में, मजबूत होता है, ये कमजोर होता है। तो परवल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है तथा पीएच मान 7 से कम होता है। जैसे में NaH4Cl, FeCl3, CuSO4, etc. ये सब अभी आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय विलयन, क्या है, अम्लीय विलयन। अगला है 3 नंबर, दुर्बल भस्म तथा परवल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, तथा पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो देखिए यहाँ दुर्बल अम्ल क्या है, कमजोर अम्ल है, तथा परवल भस्म, भस्म क्या है, स्ट्रांग है, मतलब यहाँ अम्ल की मात्रा कम होगी या अति भस्म की मात्रा अधिक होगी। तो दुर्बल अम्ल तथा परवल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होता है तथा पीएच मान 7 से अधिक होता है। जैसे में Na2CO3 बोले कौम है, क्या जाएगा, कौम है, NaHCO3CH3COONA, ये सबका क्या हो जाएगा, जलीय विलयन इसका कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्या होगा, क्षारीय, इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। कुछ उपयोगी लवण क्या है आपका, कुछ उपयोगी लवण, तो पहला क्या है, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक NaCl, जो साधारण नमक हम लोग घर में पाया जाता है उसी के बारे में कह रहा है, NaCl क्या हो जाएगा, NaCl, तो हम लोग घर में जो पाया जाता है क्या होता है, NaCl होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड प्राप्त होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं, तो क्या होता है, देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बस आप ये दोनों इसको याद करने का जो यहीं से देखिए तो याद होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ना अभिक्रिया कराते तो क्या प्राप्त होता है, NaCl, साधारण नमक, क्या होता है, साधारण नमक प्राप्त है, निकलता क्या है, जल निकल जाता है इसमें से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, NaCl, साधारण नमक प्राप्त होता है। क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहें, सोडियम क्लोराइड तथा जल क्या होता है, निकल जाता है, बाहर निकल जाता है जल आपका। तो हमारे जो हमारे देश में जो होता है नमक कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है। अधिकतर जो नमक होता है 95% जो हमारे नमक प्राप्त होता है हमारे देश में कहाँ से होते हैं, वो समुद्र से होते हैं। कहाँ से होते हैं, समुद्र से। बोले हमारे देश में नमक कहाँ से और कैसे प्राप्त होते हैं, तो हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल एवं चट्टानों है। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड साधारण नमक समुद्री जल से ही वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो हमारे देश में होता है ना 95% नमक कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र इलाका से, समुद्री जल से प्राप्त होता है। जैसे समुद्र का जल होता है ना, तो समुद्र का जल के बगल में क्या करते हैं हम लोग ना, मतलब जो भी होते हैं निकलने में क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा में क्या होता है, पानी आता है। क्या होता है, पानी आता है, वो पानी उसमें आने के बाद क्या होता है, वाष्प द्वारा पानी बाहर निकलता है, जो बचता है शेष के रूप में क्या बचता है आपका, सोडियम क्लोराइड बढ़ता है, NaCl, क्या होता है, NaCl, लेकिन वो अशुद्ध रूप में रहता है। क्या रहता है, अशुद्ध रूप में, जल तो वाष्पीकरण द्वारा निकल गया, लेकिन जो प्राप्त होता है नमक ना उसमें क्या होता है, अशुद्धि बहुत होती है। तो वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त साधारण नमक में Na2SO4 क्या जगह, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि लवण अशुद्धियों के रूप में पाया जाता है। मतलब ये जो NaCl है ना, जो नमक होता है ना, सोडियम क्लोराइड जो प्राप्त होता है उसमें क्या होता है, सोडियम सल्फेट,
मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि ना आपको ना अशुद्धियों के रूप में पाया जाता है। किस में? सोडियम क्लोराइड में। तो इसको ना शुद्धिकरण करने के लिए आपको कहाँ फेंटाया जाता है? फैक्ट्री में फेंटा है, वहाँ पर शुद्धिकरण होता है, तब जाकर हम लोग का नमक प्राप्त होता है। जो साधारण नमक होता है क्या होता है, जो घन में पाया जाता है, क्या है? सेंधा एवं काला नमक। क्या है आपका? सेंधा एवं काला नमक। तो सेंधा एवं काला नमक को जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं, जिसमें नमक का रंग भूरा होता है। तो जो सेंधा एवं काला नमक कहाँ से? सेंधा एवं काला नमक को जमीन में खोद कर खदानों से प्राप्त किया जाता है। जो सेंधा नमक होता है, काला नमक खदानों से प्राप्त किया जाता है जमीन खोद कर। इस नमक में अशुद्धि के रूप में ना लाल चिकनी मिट्टी होती है। क्या होते हैं? सेंधा नमक और काला नमक जो होता है ना, कौन अशुद्ध के रूप में होता है? लाल चिकनी मिट्टी होती है के कण मिले होते हैं, जिसमें नमक का रंग भूरा होता है। जिसके कारण क्या होता है? जिससे नमक का रंग भूरा होता है, जिसके कारण क्या होता है? नमक का रंग भूरा होता है, इसलिए हम लोग को सेंधा नमक या काला नमक भूरा दिखाई देता है। क्या है? आयोडीन युक्त नमक। तो घेघा रोग ना आयोडीन की कमी से होती है, अतः साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड ट्राइऑक्साइड या पोटेशियम आयोडाइड की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त किया जाता है। मतलब इसमें ना क्या मिलाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड ट्राइऑक्साइड या पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा मिलाकर आयोडीन युक्त किया जाता है। इसमें आयोडीन युक्त नमक में, तो जो आयोडीन युक्त नमक में जो कमी किसे कारण होता है? आयोडीन युक्त नमक की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। तो घेघा रोग जो गर्दन तो होता है, जो देखिए फूल जाता है, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? घेघा रोग। तो किसे कमी से होता है? घेघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। अतः इस साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड ट्राइऑक्साइड या पोटेशियम आयोडाइड की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त किया जाता है। बोला सोडियम क्लोराइड हमारे आहार का आवश्यक अंग है। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। नमक का उपयोग अचार के परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। जो होता है सोडियम क्लोराइड हमारे आहार का आवश्यक अंग है। क्या कि देखिए जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें नमक रहना जरूरी है। जैसे अब जो भी रसोई घर में सामान बनता है, बिना रसोई नमक के बन ही नहीं सकता, इसलिए क्या होता है? नमक हमारे लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो सोडियम क्लोराइड हमारे आहार का आवश्यक अंग है। इसका उपयोग सही प्रकार के भोज्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। नमक का उपयोग अचार के परिरक्षक के रूप में भी होता है। जो नमक का उपयोग होता है ना, अचार के परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। तो आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।